राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय दो राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय दो दाऊद की मृत्यु और सुलेमान के राज्य का आरंभ। जब दाऊद के मरने का समय आया तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा कि मैं लोक की रीति पर कूच करने वाला हूं, इसलिए तू हिया बांधकर पुरुषार्थ दिखा और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहां कहीं तू जाए उसमें तू सफल होए और यहोवा अपना वह वचन पूरा करे जो उसने मेरे विषय में कहा था कि यदि तेरी संतान अपनी चाल के विषय में ऐसे सावधान रहे कि अपने संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित मेरे सन्मुख चलते रहे, तब तो इसराइल की राजगद्दी पर विराजने वाली की तेरे कुल परिवार में घटी कभी न होगी। फिर तू स्वयं जानता है कि सरूयाह के पुत्र योआब ने मुझसे क्या क्या किया, अर्थात उसने नेर के पुत्र अबनेर और एतेर के पुत्र अमासा इसराइल के इन दो सेनापतियों से क्या क्या किया। उसने उन दोनों को घात किया और मेल के समय युद्ध का लोहू बहाकर उसने अपनी कमर का कमरबंद और अपने पांव की जूतियां भिगो दी। इसलिए तू अपनी बुद्धि से काम लेना और उस पके बाल वाले को अधोलोक में शांति से उतरने न देना। फिर गिलादी बर्जिले के पुत्र पर कृपा करना और वे तेरी मेज पर खाने वालों में रहे, क्योंकि जब मैं तेरे भाई अबशालोम के सामने से भाग जा रहा था तब उन्होंने मेरे पास आकर वैसा ही किया था। फिर सुन, तेरे पास बिन्यामिनी गेरा का पुत्र बहुरिमी शिमी रहता है। जिस दिन मैं महनैम को जाता था उस दिन उसने मुझे कड़ाई से शाप दिया था, पर जब वह मेरी भेंट के लिए यर्दन को आया तब मैंने उससे यहोवा की यह शपथ खाई कि मैं तुझे तलवार से न मार डालूंगा, परंतु अब तू इसे निर्दोष न ठहराना, तू तो बुद्धिमान पुरुष है, तुझे मालूम होगा कि उसके साथ क्या करना चाहिए और उस पके बाल वाले का लोहू बहाकर उसे अधोलोक में उतार देना। तब दाऊद अपने पुरखाओं के संग सो गया और दाऊदपुर में उसे मिट्टी दी गई। दाऊद ने इसराइल पर 40 वर्ष राज्य किया, 7 वर्ष तो उसने हेब्रोन में और 33 वर्ष यरूशलेम में राज्य किया था। तब सुलेमान अपने पिता दाऊद की गद्दी पर विराजमान हुआ और उसका राज्य बहुत दृढ़ हुआ। और हग्गीत का पुत्र अदोनियाह सुलेमान की माता बच्चेबा के पास आया और बच्चेबा ने पूछा, क्या तू मित्रभाव से आता है? उसने उत्तर दिया, हां मित्रभाव से। फिर वह कहने लगा, मुझे तुझसे एक बात कहनी है। उसने कहा, कह। उसने कहा, तुझे तो मालूम है कि राज्य मेरा हो गया था और समस्त इस्राएली मेरी ओर मुंह किए थे कि मैं राज्य करूं, परंतु अब राज्य पलटकर मेरे भाई का हो गया है, क्योंकि वह यहोवा की ओर से उसको मिला है। इसलिए अब मैं तुझसे एक बात मांगता हूं, मुझसे ना नहीं करना, कहे जा। उसने कहा, उसने कहा, राजा सुलेमान तुझसे न नहीं करेगा, इसलिए उससे कहा कि वह मुझे शुनेमिन अभिषेक को ब्याह दे। बच्चेबा ने कहा, अच्छा मैं तेरे लिए राजा से कहूंगी। तब बच्चेबा अदुनिया के लिए राजा सुलेमान से बातचीत करने को उसके पास गई और राजा उसकी भेंट के लिए उठा और उसे दंडवत करके अपने सिंहासन पर बैठ गया। फिर राजा ने अपनी माता के लिए एक सिंहासन रख दिया और वह उसकी दाहिनी ओर बैठ गई। तब वह कहने लगी, मैं तुझसे एक छोटा सा वरदान मांगती हूं, इसलिए मुझसे न नहीं करना। राजा ने कहा, हे माता मांग, मैं तुझसे न नहीं करूंगा। उसने कहा, वह शुनेमिन अभिषेक तेरे भाई अदोनिया को ब्याह दी जाए। राजा सुलेमान ने अपनी माता को उत्तर दिया,
तू अदोनिया के लिए शुनेमिन अभिषेक ही क्यों मांगती है, उसके लिए राज्य भी मांग, क्योंकि वह तो मेरा बड़ा भाई है और उसी के लिए क्या एब्यातार याजक और सरुया के पुत्र योआब के लिए भी मांग। और राजा सुलेमान ने यहोवा की शपथ खाकर कहा कि यदि अदोनिया ने यह बात अपने प्राण पर खेलकर न कही हो तो परमेश्वर मुझसे वैसा ही क्या वरन उससे भी अधिक करे। अब यहोवा जिसने मुझे स्थिर किया और मेरे पिता दाऊद की राजगद्दी पर विराजमान किया है और अपने वचन के अनुसार मेरा घर बसाया है, उसके जीवन की शपथ, आज ही अदोनियाह मार डाला जाएगा। और राजा सुलेमान ने यहोयादा के पुत्र बनायाह को भेज दिया और उसने जाकर उसको ऐसा मारा कि वह मर गया। और एब्यातार याजक से राजा ने कहा, अनातोत में अपनी भूमि को जा, क्योंकि तू भी प्राणदंड के योग्य है। आज के दिन तुम मैं तुझे न मार डालूंगा, क्योंकि तू मेरे पिता दाऊद के सामने प्रभु यहोवा का संदूक उठाया करता था और उन सब दुखों में जो मेरे पिता पर पड़े थे तू भी दुखी था। और सुलेमान ने एब्यातार को यहोवा के याजक होने के पद से उतार दिया, इसलिए कि जो वचन यहोवा ने एली के वंश के लिए शीलो में कहा था वह पूरा हो जाए। इसका समाचार योआब तक पहुंचा। योआब अबशालोम के पीछे तो नहीं हो लिया था, परंतु अदोनिया के पीछे हो लिया था। तब योआब यहोवा के तंबू को भाग गया और वेदी के सिंगों को पकड़ लिया। जब राजा सुलेमान को यह समाचार मिला कि योआब यहोवा के तंबू को भाग गया है और वह वेदी के पास है, तब सुलेमान ने यहोयादा के पुत्र बनायाह को यह कहकर भेज दिया कि तू जाकर उसे मार डाल। तब बनायाह ने यहोवा के तंबू के पास जाकर उससे कहा, राजा की आज्ञा है कि निकला। उसने कहा, नहीं, मैं यहीं मर जाऊंगा। तब बनायाह ने लौटकर यह संदेश राजा को दिया कि योआब ने मुझे यह उत्तर दिया। राजा ने उससे कहा, उसके कहने के अनुसार उसको मार डाल और उसे मिट्टी दे। ऐसा करके निर्दोषों का जो खून योआब ने किया है उसका दोष तू मुझ पर से और मेरे पिता के घराने पर से दूर करेगा, और यहोवा उसके सिर का वह खून लौटा देगा, क्योंकि उसने मेरे पिता दाऊद के बिना जाने अपने से अधिक धर्मी और भले दो पुरुषों पर, अर्थात इसराइल के प्रधान सेनापति नेर के पुत्र अबनेर और यहूदा के प्रधान सेनापति एतेर के पुत्र अमासा पर टूटकर उनको तलवार से मार डाला था। योआब के सिर पर और उसकी संतान के सिर पर खून का सदा तक रहेगा, परंतु दाऊद और उसके वंश और उनके घराने और उसके राज्य पर यहोवा की ओर से शांति सदैव तक रहेगी। तब यहोयादा के पुत्र बनायाह ने जाकर योआब को मार डाला और उसको जंगल में उसी के घर में मिट्टी दी। तब राजा ने उसके स्थान पर यहोयादा के पुत्र बनायाह को प्रधान सेनापति ठहरा दिया और एब्यातार के स्थान पर सादोक याजक को ठहराया। और राजा ने शिमी को बुलवा भेजा और उससे कहा, तू यरूशलेम में अपना एक घर बनवाकर वहीं रहना और नगर से बाहर कहीं न जाना। तू निश्चय जान रख कि जिस दिन तू निकलकर किद्रोन नाले के पार उतरे उसी दिन तू निसंदेह मार डाला जाएगा और तेरा लोहू तेरे ही सिर पर पड़ेगा। शिमी ने राजा से कहा, बात अच्छी है, जैसा मेरे प्रभु राजा ने कहा है वैसा ही तेरा दास करेगा। तब शिमी बहुत दिन यरूशलेम में रहा, परंतु 3 वर्ष के व्यतीत होने पर शिमी के 2 दास गत नगर के राजा माका के पुत्र आकीश के पास भाग गए और शिमी को यह समाचार मिला कि तेरे दास गत में हैं। तब शिमी उठकर अपने गधे पर काठी कसकर अपने दास को ढूंढने के लिए गत को आकीश के पास गया और
अपने दासों को गत से ले आया। जब सुलेमन राजा को इसका समाचार मिला कि शिमी यरूशलेम से गत को गया और फिर लौट आया है, तब उसने शिमी को बुलवा भेजा और उससे कहा, क्या मैंने तुझे यहोवा की शपथ न खिलाई थी और तुझसे चिताकर न कहा था कि यह निश्चय जान रख कि जिस दिन तू निकलकर कहीं चला जाए उसी दिन तू निसंदेह मार डाला जाएगा? और क्या तूने मुझसे न कहा था कि जो बात मैंने सुनी वह अच्छी है? फिर तूने यहोवा की शपथ और मेरी दृढ़ आज्ञा को क्यों नहीं मानी? और राजा ने शिमी से कहा कि तू आप ही अपने मन में उस सब दुष्टता को जानता है जो तूने मेरे पिता दाऊद से की थी, इसलिए यहोवा तेरे सिर पर तेरी दुष्टता लौटा देगा, परंतु राजा सुलेमान धन्य रहेगा और दाऊद का राज्य यहोवा के सामने सदैव दृढ़ रहेगा। तब राजा ने यहोयादा के पुत्र बनायाह को आज्ञा दी और उसने बाहर जाकर उसको ऐसा मारा कि वह भी मर गया और सुलेमान के हाथ में राज्य दृढ़ हो गया।